पेश है हिंदी जबान में अपडेट। मोदी शासन कश्मीरियों को मात्र केवल उनके राजनीतिक विश्वासों के कारण जेलों में डाल रहा है। कश्मीरियों के विरुद्ध झूठे केस घड़े जा रहे हैं जो नई दिल्ली की निराशा को व्यक्त करते हैं। मोदी का फासिस्टवादी शासन NIA, ED तथा SIA को कश्मीरियों के स्वतंत्रता के संकल्प को कुचलने के लिए प्रयोग कर रहा है। कश्मीरियों को मनगढ़ंत निराधार अभियोगों पर नजरबंदियों का सामना है। भारत के 48 संगठनों का लक्ष्य कश्मीरियों के वैध संघर्ष को कुचलना है। हुर्रियत नेता तथा एक्टिविस्ट दृढ़ संकल्प हैं, वे भारतीय दमन के समक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। इस समय 5,000 से अधिक निर्दोष कश्मीरी भारतीय जेलों में बंद हैं। कश्मीरी संघर्ष को आतंकवाद कहना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनता का आंदोलन स्वयं निर्णय के अधिकारों की न्याय संगत मांग के लिए है। भारत बंदियों के अधिकारों के संबंध में जनेवा कन्वेंशन का ढिटाई से उल्लंघन कर रहा है। सार्वभौमिक मानव अधिकार संगठनों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अवैध नजरबंदियों का नोटिस देना चाहिए।